नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज सुबह AIMIM के सदर बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कंटेस्टेड MLA और इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बैज ने सुलेमान नगर डिवीजन में एरिया कोई महमूद और सुलेमान नगर सी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ सुलेमान नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद और असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत और GHMC वर्क इंस्पेक्टर सत्यनारायण और इलेक्ट्रिक वर्क के वर्क इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान, वाटर वर्क के मैनेजर सरविया और सैयद साजिद अली, वार्ड मेंबर मोहम्मद ताहिर, एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खाजा और मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर डिवीजन में सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर पटना प्रगति प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है वो प्रोग्राम में सुलेमान नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर और हमारे डायनामिक मीडल ऑफिसर जना प्रशांत साहब और उनके साथ पूरे बल्दी भर के आपके सामने के अहदेदारों के साथ महमूद और सुलेमान नगर सी के एरिए में तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर अब तक दौरा करें और आवाम के जो मसाइल थे वो कंसर्ट डिपार्टमेंट से नोट करवाए और अलहमदिल्ला आज का दौरा बहुत कामयाब रहा। मैं यही तवक्कु करता हूँ कि जो हॉस्पिटल में नोट करवाए वो काम जल्द से जल्द सदर मुकरम नजरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी और दूसरे यहाँ पोल्यूशन के प्रॉब्लम थे और कुछ वाला बैठ गए, वाला लीकेज थे वो भी लिखा है, कुछ सीवरेज लाइन के प्रॉब्लम थे वो भी लिखा है। खास तौर पर हमारे असिस्टेंट इंजीनियर साहब इलेक्ट्रिकल के उनको नोट करवाया गया कि जहाँ पे 3 फेज कन्वेंशन नहीं है वो कन्वेंशन कराना बोल के, वह जगह इंटरनल पुला है और ट्रांसफार्मर के पिन भिन्न है और दूसरी जगह ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस केबल और बॉक्सेस है वो भी बताया गया। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रखकर काम करती है। खासतौर पर हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब फजर के बाद से एरिया में निकलते हैं पूरे सदर मुतमदीन के साथ, जो बल्दिया का सफाई का अमला जो काम करता है सुबह फजर के बाद से करता है वो साफ सफाई के काम के लिए तवज्जो दिलाते हुआ फजर के बाद ही हमारे कॉरपोरेटर साहब निकलते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सदर मुतमदीन का, तमाम ऑल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का और ख़ास तौर पर हमारे जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर है जना प्रशांत साहब उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हैदराबाद टुडे न्यूज 24x7।